बहुत सारे लोग जो है ना, जो चाहे इस्लामिक वीडियोस होते हैं या बहुत सारे लोग जो ना फेक इंफॉर्मेशन होती है वो लोगों तक पहुंचती है और हम फौरन ही उसे आगे फॉरवर्ड करते हैं, उसकी ऑथेंटिकेशन का पता नहीं करते, बिल्कुल नहीं। उसमें कई मरतबा झूठी इंफॉर्मेशन होती है, फेक बातें होती है, गलत बातें होती हैं, कई मरतबा गलत हदीसें होती है, मौजू और ज़ईफ़ रिवायात होती है, और हम वो सिर्फ सवाब की नीयत से आगे लोगों को भेजते हैं और बाद में पछताते हैं। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना इमाम को या जिसने आपकी इस्लाह कि उसे सॉरी कह के वो वीडियो इसी तरह शेयर करते हैं। वो हजार लोग जिनको आपने पहले से शेयर किया है वो 500 और मजीद लोगों को अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में भेजते हैं, जिसके नतीजे में गलत बात आगे से आगे फॉरवर्ड होती है। इसीलिए हर वो चीज जो आपके फोन में आए, आपके सोशल मीडिया में आए, आपके पेज पर आए, जरूरी नहीं कि आप उसे आगे फॉरवर्ड करें। मैं देखता हूं कि बहुत से लोग लहजे किसी आलिम की, किसी टीचर की, किसी उस्ताद की, किसी इमाम की, किसी मस्जिद में होने वाले किसी वाकये की बुराई है, कोई लड़ाई झगड़ा है, हरम में होने वाली कोई कमी है, तो लोग क्या करते हैं उसे फॉरवर्ड करते हैं। क्या ख्याल करते हो अवेयरनेस के लिए? लेकिन आपको मालूम है कि फेसबुक या इन सब चीज़ों पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, बहुत सारे गैर मुस्लिम भी हैं। आप मस्जिद में होने वाली बुराइयों को, मान लो कि दो लोग लड़ रहे हैं, आपने वीडियो बनाई उसे पोस्ट कर दिया, तो आप नतीजे में क्या होता है, मस्जिद में होने वाला झगड़ा हिंदू, गैर मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चियन सब देखते हैं, एवरीबडी नोज दैट व्हाट इज गोइंग ऑन। सो यू डू नॉट हैव टू शेयर एवरीथिंग। इफ यू सी एनीथिंग व्हिच इज नॉट अप्रोप्रिएट, व्हाट यू हैव टू डू, कीप इट विद यू।